पक्की बात है कि आप इसको हिमालयन से ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। हर मतलब कहते नहीं है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मैं अपना जेन्युइन व्यू बताऊं आपको। भाई हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज अपन चल रहे हैं एक भयंकर सी बाइक की टेस्ट राइड लेने अपनी भयंकर सी हाइनेस पे। हाइनेस चलाने के अपने ही मजे हैं। तो हाइनेस ले चलने के दो कारण है। पहला तो BMW है नहीं, मैं उसको डाल के आया हूँ। वो जो लाइट ख़राब हो गई थी ना उसकी वारंटी में मैंने डाला है, तो देखो अगर सब सही हुआ तो बदल जाएगी, नहीं तो फिर अभी कुछ दिनों बाद आके बदलवाएंगे। और दूसरा ये जब भी अपन BMW लेके जाते हैं ना उसके बाद अपन जो ये कम पावर की बाइक चलाते हैं तो उतना अच्छे से ना फील नहीं आता, तो इसलिए अपन आज हाइनेस लेके चल रहे हैं। और उसके बाद जब अपन वो बाइक चलाएंगे जो कि है ट्रायम्फ की स्क्रैम 400। बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यूस कमेंट किया कि दीप भाई एक स्क्रैम का रिव्यू दो और बताओ हिमालयन से कितनी अच्छी है कि नहीं है, क्या प्लस है क्या नेगेटिव है। आज अपन चलाएंगे ट्रायम्फ की स्क्रैम 400, फुल एंड फुल डिटेल्स आपको देंगे, हैंडलिंग से लेके पावर से लेके सस्पेंशन ब्रेक्स एवरीथिंग सीट कंफर्ट। तो पेपर जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप कहीं से पढ़ लो रिफर कर लो, अपन बिल्कुल जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे आपके साथ। बाकी अपनी हाइनेस तो मौज मस्त चली रही है। वाह क्या सनराइज हो गया, बढ़िया वेदर है फरवरी का। भाई बोलना तो पड़ेगा टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव। और बहुत ही जल्दी आई होप इसके बाद एक वीडियो और आएगा और फिर अपन निकल लेंगे अपनी नेक्स्ट राइड पे। रेडी रहना आप लोग। हाँ इन्हें चला के जो मजा आता है ना यार, ऐसी मतलब अभी देखो हम लोग 85-90 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं, बिल्कुल बटर स्मूथ जिसको बोलते हैं। एफर्टलेस बाइक है यार ये मानना पड़ेगा। इतनी राइड्स लगाई मैंने, 27,000 किलोमीटर होने वाले हैं इस बाइक पे। और आप सोचो 27,000 किलोमीटर में आज तक ये बाइक पंक्चर तक नहीं हुई है। खराब होना तो बहुत दूर की बात है, मतलब किस्मत आप देखो मेरी कि पंक्चर भी नहीं हुई मेरी आईने 27। टायर बदलने का टाइम आ गया, अब नए टायर लगवाऊंगा इसमें बहुत जल्दी। तो अपने प्रवेश भाई हैं वो अपनी स्क्रैम 400 लेके आ रहे हैं दिल्ली से और अपन वहीं मिलेंगे अपना मीटिंग पॉइंट जो कि एम्बियंस मॉल। हेलो यो कैसे हो प्रवेश भाई? बढ़िया। सो दिस इज द ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X और यू कैन से स्क्रैम 400X। पहला जो विजुअल डिफरेंस है कंपेयर टू अदर बाइक्स लाइक हिमालयन, भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी, दिस इज लुकिंग सुपर सुपर। पहले तो आप इसके सिनेमेटिक्स देखो। तो चलो राइडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वी विल सी कि बाकी चीज़ों की बातें करते रहेंगे आपसे। बाइक पे बैठते ही जो फील आई, इसका हैंडल बार काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब आप बिल्कुल अपराइट पोजीशन पे बैठते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सीट चलेंगे तब पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं। ओके थ्रॉटल इज एग्जॉस्ट नोट ओके ओके, अभी आपको आगे और सुनाएंगे। कंसोल इसका दिखने में मैनुअल है बट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली है और बहुत ही क्लियर कंसोल है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि छोटा है या वो, बहुत विजिबल है कंसोल इसका। तो अब इसको चलाते हैं। क्लच इज लाइट, गियर शिफ्ट इज स्मूथ। ओके इस इंजन की सबसे बड़ी जो मेरे को अभी तक पॉजिटिव लगी इतनी देर में ही, बिल्कुल क्लटर फ्री इंजन है, काफ़ी स्मूथ इसका जो है रेव बैंड है, ज़्यादा तो नहीं भी चलाया है। अरे अपन छठे गियर में आ भी गए, भाई साहब ओके ओके, बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा है यार। अच्छा इसका RPM मीटर इलेक्ट्रॉनिक है। भाई इस बाइक में एक चीज़ सबसे अच्छी है वो है इसका लो एंड पुल, काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हो छठे गियर में मैं 40-50 की स्पीड पे हूँ एंड इट पुल्स नीटली। मैं सस्पेंशन ये देखो थोड़े से रंबल स्ट्रिप्स आ रही हैं तो आई कैन रियलाइज कि इसका जो सस्पेंशन है बिल्ड क्वालिटी और इसकी बहुत ही अच्छी है। पूरा सस्पेंशन इस बाइक ने क्रॉस किया और कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इसमें एक मतलब कहीं से खटपट की कोई आवाज आई, बिल्कुल होंडा वाला हिसाब है कि बिल्कुल साउंडलेस एंड दिस बाइक इज गुड यार।
इसमें एक चीज़ है कि इसमें कोई बहुत सडन सर्ज नहीं है जैसा कि अपनी हिमालयन में है। और ये आ गई, अच्छा ओके। तो जब ये 100 पे पहुंचती है ना तो इट रीचेज अराउंड 6000 RPM। हैंडलिंग काफ़ी सही है यार इस बाइक की, हैंडलिंग जो है अच्छी है। बट एक चीज़ है कि इसमें ना वो नहीं है, विंडशील्ड नहीं है, तो आपको हवा लगेगी थोड़ी सी। इसके ब्रेक्स की बाइट मेरे को हिमालयन से अच्छी लगी, फ्रंट ब्रेक की। रियर ब्रेक्स आर ऑल्सो ओके ओके। देखो रियर ब्रेक का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता क्योंकि जो मेन हमारी ब्रेकिंग होती है वो फ्रंट ब्रेक से ही होती है। अब आते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, और वो है इंजन वाइब्रेशंस। तो भाई इस बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं अभी 90 KMPH तक गया हूँ और हिमालयन के कंपैरिजन में इसमें मतलब बिल्कुल भी नेग्लिजिबल वाइब्रेशंस है, नेग्लिजिबल यू कैन से। इंजन और पावर की अगर बात करें ना तो इसमें एक वो सडन सर्ज जो हिमालयन में आता है ना 3,000-3,500 RPM के बाद, उस तरह का इसमें कुछ नहीं है। लीनियर पावर है, मतलब हर RPM और हर स्पीड पे आपको एक पावर लिमिटेड मिलता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको लो इन टॉर्क अच्छा मिलता है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो इस बाइक में ज़्यादा गियर वियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और राइड आपकी थोड़ी कंफर्टेबल स्मूथ हो जाती है। लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव ये होता है कि आप जैसे हाई स्पीड्स करना चाह रहे हो ना तो बाइक के RPM थोड़ा बढ़ जाते हैं। मतलब NX 500 जैसा सेटअप है इसका कुछ, कि जैसे आप बताऊं मैं आपको, अगर 100 KMPH पे मैं ले जा रहा हूं इसको तो ये लगभग 6000 RPM पे पहुंच रही है। हिमालयन पहुंचती है लगभग 5000 RPM पे, NX 5 पहुंचती है लगभग 5000 RPM पे, वहीं मेरी BMW लगभग 3600-3700 RPM पे रहती है। तो ये एक डिफरेंस है कि क्रूजिंग स्पीड जो है आपकी कम RPM पे हो तो थोड़ा क्रूजिंग कंफर्टेबल होती है, आप ज्यादा लंबे टाइम तक चला सकते हो फटलेस। तो भी थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तब आपको एग्जैक्ट रिव्यू दूंगा। सस्पेंशन इसका हिमालयन से तो ऑब्वियसली कम अच्छा है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसके ब्रेक्स हिमालयन से बेटर है। एंड दिस बाइक इज, मतलब आप चलाने में जो बिल्ड क्वालिटी का कॉन्फिडेंस आता है ना वो मेरे को फील हो रहा है, मतलब काफी अच्छा है। इंजन का साउंड जो है बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, मतलब एफर्टलेस। लेकिन हाँ, वो हिमालयन वाला जो एक फील है ना एकदम से पावर वाला, वो नहीं है। वही KTM 390 एडवेंचर में भी आता है, सडन उसमें स्पाइक आता है पावर का। इसके बाद अपन KTM 390 एडवेंचर चलाएंगे, लास्ट बाइक। ओके ओके ओके, आई एम गेटिंग द फील ऑफ दिस बाइक। बस अच्छी चीज़ ये है कि आपको गियर नहीं बदलने फटफट मार के। ब्रेक्स आर गुड, ब्रेक्स आर एक्चुअली गुड। सीटिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है यार। सीट की अगर बात करूं तो सीट मेरे को अभी तक तो कंफर्टेबल फील हुई और प्रॉपरली वाइड है पीछे से, तो थोड़ा आपका जो बैक है अच्छे से सपोर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। इसका जो सबसे कंफर्टेबल क्रूजिंग पॉइंट है वो मैं बताऊं क्या है, लगभग 80 KMPH। हाँ 80 KMPH भी बढ़िया चलती है। चलो अब इसका थोड़ा जो है पावर पे डालते हैं। सो राइट नाउ एट 100 KMPH बाइक इज क्रूजिंग एट 6000 RPM, नो वाइब्रेशंस, नथिंग। बट हाँ मेरे को ये फील हो रहा है कि रेव्स जो है थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े कम होते तो बेटर होता ये चीज़ है। बट इट्स नॉट लाइक कि चलाया नहीं जा सकता। एक चीज़ है कि हवा थोड़ी ज़्यादा आती है इन बाइक्स में, ये है। ओके तो अगर आप इसको 80-90 की स्पीड पे चलाओगे तो बेस्ट क्रूजिंग स्पीड होगी वो इस बाइक के लिए, बिल्कुल बेस्ट। अब कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ जो कि अगर आप एडवेंचर कैटेगरी की बाइक लेना चाह रहे हो या सिटी राइडिंग पर्पज़ से तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 195 mm, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब आप इंडियन रोड्स पे इसको बड़े प्यार से चला सकते हो, प्यार से जिसको बोलते हैं। ओ भाई इसका यार एग्जॉस्ट साउंड बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में, जब 50-60 की स्पीड पे इसको थोड़ा रेव करो। पंच अच्छा है यार इस बाइक का, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है। पावर और टॉक की बात करें तो देखो हिमालयन के बराबर ही है। इट हैज़ 40 BHP ऑफ पावर एंड 38.5 Nm ऑफ टॉर्क। हिमालयन में दोनों 40-40 है। और सस्पेंशन ट्रैवल की बात करें तो यहाँ एक मेजर डिफरेंस है हिमालयन के कंपैरिजन में। इसके दोनों सस्पेंशन का जो ट्रैवल है फ्रंट एंड रियर दैट इज़ 150 mm, हिमालयन के फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल है 200 mm। तो
उसका एक क्लियर एडवांटेज हिमालयन को मिलेगा। हिमालयन का ये स्टांस थोड़ा सा ऊंचा फील होता है, तो आप उसमें अगर एक टॉलर विंडशील्ड लगवाओगे तो थोड़ी हवा कम आएगी, इसमें हवा आपको फेस करनी पड़ेगी क्योंकि इसका ना नीचे है, थोड़ा नेकेड कैटेगरी का, मतलब दिस इज ट्रू स्क्रैम्बलर नेचर। टैंक इसका 13 लीटर्स का है जो कि थोड़ा सा कम है, तो आई थिंक अगर ये 30 का माइलेज देगी तो आपको 350 के आसपास की रेंज लगभग मिलेगी। दैट इज डिसेंट, नॉट बैड ऑफ रोडिंग के लिए। ये बाइक जो मतलब स्क्रैम का जो ट्रू नेचर होता है ना ऑफ रोडिंग का, उस पर्पज से ये बाइक काफ़ी अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। अगर आप इस पर ऑफ रोडिंग करोगे तो आपको गियर वियर नहीं चेंज करना है, पंच अच्छा है इसमें, ऐसा नहीं है। हिमालयन से थोड़ा कम है बट है, बट हिमालयन को जब थोड़ा सा लो आरपीएम पे उठाओ तो दैट इंजन क्लटर्स, एक कट 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 की आवाज आती है, थोड़ा सा हिलता है वो इंजन। ये बहुत ही स्मूथ उठ रहा है जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। ब्रेक्स आर गुड मैन, ब्रेक्स आर गुड। अब सिटी पर्पस राइड की अगर बात करें तो ये बाइक हिमालयन से मैं ऊपर रखूंगा। पता है क्यों? बहुत निम्बल है, पेपियर है, आसानी से मनूवर हो रही है रोड पे, बहुत आसानी से। और ज़्यादा आपको गियर चेंज नहीं करने हैं, तो अगर आप कहते नहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हो बाइक, तो आपको इट विल बी इजी कि आपको ज़्यादा गियर नहीं शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो सिटी में तो क्लियर विनर है ये बाइक। हाईवे की बात अभी थोड़ा और चलाने के बाद करेंगे। हैंडलिंग इस बाइक की बहुत सही यार, जितना मैं इसको झुका पा रहा हूँ ना और जितना ये प्यार से मनूवर हो रही है, हिमालयन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था। मतलब आप इससे अगर कॉर्नरिंग करोगे तो दिस गिव्स मोर कॉन्फिडेंस देन हिमालयन। मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसमें एक सातवां गियर होता ना, वो भाई साहब मज़ा आ जाता चलाने। और इसको चला के एक चीज़ और पता चल गई कि इससे आप ना बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, पक्की बात है। जितनी बढ़िया बाइक है ना ये, मतलब स्क्रैम्बलर अपने नेचर को ना बिल्कुल ट्रूली डिपिक्ट करती है ये बेहतरीन तरीके से। बहुत अच्छा लो एंड पंच है यार, ये मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा। तो सिटी में हैजल फ्री बाइक है ये, ऑफ रोडिंग में आई थिंक ये बहुत बढ़िया काम करेगी। देखो मैं ट्रेल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर नहीं पाता हूँ, तो वो चीज़ है, बट आई बिलीव कि इस पर वो नेचर है जिससे ये आराम से आपसे ऑफ रोडिंग करेगी। अब आते हैं इसकी हाईवे कैपेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। ये वो एरिया है जो आई थिंक इस बाइक का सबसे ज़्यादा कंपेरेबल है कंपेयर टू हिमालयन, क्योंकि यहाँ ये बाइक हो सकता है थोड़ा सा लैग करे। अगर आपको लंबा लंबा किलोमीटर्स चलाना है एक दिन में, लाइक 400-500, तो इस बाइक पे अगर आप 100 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आरपीएम ज़्यादा है, तो हो सकता है बहुत लंबे टाइम के लिए उतना कंफर्टेबल ना रहे। हालांकि इंजन में कोई वाइब्रेशंस नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। कंपेयर टू हिमालयन थोड़ा सा इसमें आपको अनईजी हो सकता है, बाकी ऐसा सच मेरे को कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, ठीक ही लगा। तो ये मतलब आपके ऊपर है कि ये बाइक दो सेगमेंट में तो हिमालयन से आगे है, लाइक सिटी राइड एंड ऑफ रोडिंग। सिर्फ हाईवे टूरिंग में मेरे को लगता है हिमालयन के पास थोड़ा सा एज है कि वो ना 100 पे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल चलती है, हालांकि उसमें वाइब्रेशंस हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्लोज कॉम्पिटिशन है कि आपको आप क्या ज़्यादा प्रेफर करोगे, आप इंजन कम्फर्ट थोड़े से वाइब्स के साथ मैनेज कर लोगे, या आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं चाहिए, आप इसमें जाओगे लेकिन थोड़ा सा इंजन रेव्स ज़्यादा रहेंगे और थोड़ा सा हाई आरपीएम पे आपको 100 मिलेगा, तो उतनी कंफर्टेबल क्रूजिंग नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर है। बाकी इस बाइक की हैंडलिंग मैन मैन बहुत अच्छी है। पक्की बात है कि आप इसको हिमालयन से ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे, ये चीज़ है। जैसे इफ़ आई गो टू 100 तो इसमें पिकअप की कमी नहीं है, पहुँचती बहुत जल्दी है, देखो 100 पहुँच गई, मतलब अगर 100 में कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है यार, ऐसा भी मतलब वो नहीं है कि बहुत दिक्कत है। कहीं ना कहीं यार ये बाइक मेरे को हिमालयन से ज़्यादा पसंद आई, नो डाउट ज़्यादा पसंद आई। मतलब इसमें ना हर चीज़ का एक बैलेंस और मिक्स है, ये मानना पड़ेगा, बहुत ही शानदार जिसको बोलते हैं। ब्रेक्स आर गुड, सीट इज एज गुड एज हिमालयन, सस्पेंशन इज गुड। आ जाओ अपन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना भाई। गड्ढों अड्डों पे इतनी साइलेंट है ना ये बाइक, कोई आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं आपको, इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 835 mm, तो हिमालयन का जो स्टैंडर्ड सीट का जो लो पॉइंट है दैट इज़ 825 mm, तो 10 mm ये उससे ऊपर है।
लेकिन यार इस बाइक का सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड मैं अपना जेन्युइन व्यू बताऊं आपको, मेरे को ये बाइक हिमालयन से ज़्यादा पसंद आई। परफेक्ट। कुछ चीज़ें बताता हूं जो इसमें हिमालयन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। पहली, इस बाइक की राइड क्वालिटी, इतनी स्मूथ राइड क्वालिटी है और इतनी निम्बल ये बाइक है, ओ भाई यू विल इंजॉय दिस बाइक यार, आँख बंद करके। दूसरा, हैंडलिंग इस बाइक की बहुत अच्छी है, इंजन इतना स्मूथ, वाइब्रेशन फ्री है और ओवरऑल सिटिंग पोस्चर इतना कंफर्टेबल है। और एक और मेजर डिफरेंस है इसमें और हिमालयन में, इसमें जो है ट्यूबलेस एलॉयज आते हैं जबकि हिमालयन में स्पोक्स आते हैं जो कि ट्यूब के साथ हैं। अब देखो दोनों का अपना एक फ़ायदा नुकसान है। अब चूँकि ट्यूबलेस है तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पंचर वंचर का टेंशन नहीं लेना है, पंचर हो गया आप आसानी से ठीक कर सकते हो। और हिमालयन में अगर पंचर हो गई तो आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ सकता है। वो भाई देख रहे हो कितने प्यार से आप इसको इधर उधर नचा सकते हो। लेकिन स्पोक्स का फ़ायदा ये होता है कि स्पोक्स ज़्यादा स्टडी होते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं, देसी भाषा में अगर बोलूँ आपको, और एलॉयज कई बार बेंड होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर मेरे को चॉइस हो कि आप कौन सा लोगे तो आई विल गो फॉर एलॉयज, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं तो एलॉय वहीं बेंड होते हैं, तो अगर एलॉय अच्छी क्वालिटी का है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर। ट्रैफिक में इसकी हैंडलिंग यार हिमालयन से कहीं ज़्यादा अच्छी है, कहीं ज़्यादा अच्छी है। ये मेरे को तो एडवांटेज ही लगा इसमें एलॉय है, या फिर ट्यूबलेस स्पोक्स हो तो भी बेटर है, तो वो तो इस कैटेगरी में कम ही आते हैं। ये जो है वो बढ़िया पंच है, देख रहे हो सेकंड गियर में बाइक क्या मक्खन की तरह, ये भाई सेटिंग भी बढ़िया हो रही है यार। और यार सस्पेंशन का ट्रैवल थोड़ा कम है बट सस्पेंशन है अच्छा, काम बढ़िया कर रहा है। इस बाइक ने मेरा दिल जीत लिया भाई। भाई लो आरपीएम पे इस बाइक पे जो पंच है आप देख रहे हो, सेकंड गियर में 10 की स्पीड पे ऐसी भयंकर पावर और टॉर्क दे रही ना ये बाइक, अमेजिंग मैन। मतलब आपको इस बाइक में सेकंड गियर से नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे कितना ट्रैफिक हो बड़े प्यार से ही चलेगी। मतलब ये देखो 5 की स्पीड है एंड इट्स पिकिंग अप नाइसली, गजब बाइक है भाई। इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनका व्यू भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये पोर्शन बहुत लंबा है तो इस वजह से ना काफ़ी अच्छा दिख रहा है पीछे का। क्या आवाज़ है यार, ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट है ना, बढ़िया आवाज़ है यार, इतना जाम क्यों है इस रोड पे। फार बेटर हैंडलिंग देन हिमालयन मैन। एंड ये बाइक यार काफ़ी ऊंची फील होती है, मतलब कंपेयर टू हिमालयन बस थोड़ी सी पीछे आप बोल सकते हो स्पीड के कंपैरिजन में, तो ये बाइक काफ़ी बड़ी है। और मतलब जितना ऐसा लोग कई लोग सोचते हैं ना कि स्क्रैम और स्पीड एक जैसी है दोनों, ऐसा नहीं भाई, स्पीड से काफ़ी ऊंची टॉल लग रही है और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। तो इस बाइक को अगर मैं हिमालयन से सीधे सीधे कंपेयर करूँ तो सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें उससे कम अच्छी हैं। पहला ये कि इसका इंजन जो है थोड़ा सा ज़्यादा रफ पे रहता है, लेकिन यार वो मेरे को कहीं से ड्रॉबैक नहीं लगा। पंच इसमें भी अच्छा है, अच्छा पुल है इनफैक्ट। दूसरा ये कि इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा कम है, लेकिन सस्पेंशन इसका भी अच्छा है, मतलब आप ऐसा नहीं कहोगे कि इसका सस्पेंशन ख़राब है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। और एक दो चीज़ें और, जैसे कि इसका कंसोल में GPS नहीं है, नेविगेशन नहीं है, हिमालयन में नेविगेशन है, बट कंसोल बहुत अच्छा है और बड़ा है तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है एक एक चीज़। तो ये बस कुछ नेगेटिव्स हैं इस बाइक के ओवर हिमालयन। बाकी भाई साहब एक नंबर बाइक है, इस बाइक की हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है, इस बाइक का इंजन कैरेक्टर मेरे को ज़्यादा पसंद आया, एवरीथिंग टू से बहुत ही पेपी और बढ़िया बाइक है। इनफैक्ट मैं अगर एग्जैक्टली आपको बोलूँ तो सिटिंग पोस्चर अच्छा है, इंजन बिल्कुल मस्त है। तो हिमालयन के ऊपर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। तो मेरी नज़र में ये बाइक यार मेरे को हिमालयन से ज़्यादा अच्छी लगी। तो आई होप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिए। आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखना, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग सिर्फ एक्सटेंसिव हाईवे राइडिंग करते हैं वो हिमालयन ले सकते हैं, बाकी जो मिक्स राइडिंग करते हैं और जो सिटी राइडिंग करते हैं एक बार आप ये बाइक ज़रूर चलाना। दोनों बाइक चलाओगे आपको आइडिया और क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मतलब ओवरऑल ये ज़्यादा अच्छा पैकेज है कंपेयर टू हिमालयन जो मेरे को लगा। देखो हर किसी का ना अलग अलग फील होता है, जब आप चलाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ा अलग फील हो, बट मेरे को ये बाइक ज़्यादा पर्पसफुल लगी। ये चीज़ है, हर मतलब कहते नहीं है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो ट्रेट है इस बाइक का। तो अब आप जब भी बाइक लेना, हिमालयन लेना या ये लेना, अच्छे से आप दोनों बाइकें चला के लेना, ठीक है। मज़ा आया मेरे को ये बाइक चला के, इम्प्रेस किया। तो ठीक है यार, फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे एक और अच्छी बाइक के रिव्यू के साथ और बढ़िया बढ़िया आपको बताएंगे। तब तक आप लोग इन्जॉय करो, बाय बाय, एंजॉय।